नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में जो मेडिकल टेस्ट होता है वो कैसे होता है, और उसको उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर क्यों होना पड़ेगा। मतलब आप अभी से उसके लिए प्रिपरेशन क्यों करेंगे, तो इतना ज़रूरी क्यों है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन तुरंत की तुरंत मिलती रहेगी, जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर, या अन्य किसी सोशल साइट पे, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, किसी पे भी आप हैं तो आप उस पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्या है, पुलिस मेडिकल टेस्ट के लिए ज़रूरी जानकारी। उसमें पहला क्या है, पहला टेस्ट अभ्यर्थियों के घुटने का होता है। घुटने आपस में सटे नहीं होने चाहिए, घुटनों के बीच गैप नहीं होना चाहिए। जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, आपके घुटने अगर ऐसे हैं तो दिक्कत है, और ऐसे भी हैं तो भी दिक्कत है। ये नॉर्मल है तो ये सही है, अगर ऐसे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ऐसे घुटने हैं या फिर ऐसे हैं तो उसके लिए मैं उपाय बताऊँगा। जितनी भी मैं यहाँ पर जानकारी बताऊँगा, जितने भी टेस्ट होंगे उन सभी के मैं उपाय बताऊँगा कि उनको कैसे आप ठीक कर सकते हैं आसानी से, और अभी से आप उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर देनी होगी क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके लिए चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, अगर घुटने आपके सही नहीं है तो आपको कैसे ठीक करना है। देखिए, इसमें पहली बात तो आपको या तो आप डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं, और उसके हिसाब से डॉक्टर जो कहेगा उसके हिसाब से आप उसको सही कर सकते हैं अभी। लेकिन अभी आपके पास बहुत टाइम है तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाइए। अगर उसके बाद भी नहीं है तो आप ऐसे एक बड़ी सी बॉल लेके आप घुटनों के बीच में दबा सकते हैं, जिससे आपका घुटना सही हो सकता है। या मॉर्निंग वॉक बहुत ही ज़रूरी है। रनिंग तो है ही है पुलिस में, अगर आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपके घुटने भी सही रहेंगे। या फिर आपको, आप किसी भी सोशल साइट से, किसी मतलब मार्केटिंग वाली साइट से आप ये पैड मंगा सकते हैं, जिसको आप पैरों में बांध के आप अपने घुटने को सही कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, पैर फ्लैट ना हो, अंगूठे में हेलिक्स ना हो, और हड्डियों में कहीं असामान्यता ना हो। मतलब इसका मतलब ये है कि जो ये दिख रहा है आपको फ्लैट पैर, ऐसा होना चाहिए, मतलब कि बीच में जो गैप होना चाहिए फ्लैट होना चाहिए ऐसा। अगर आपका पैर समतल है तो फिर आपके लिए दिक्कत है, आप बाहर हो जाएंगे मेडिकल टेस्ट से। तो अगर ऐसा आपका पैर है तो आप पहले अभी से ही आप इसको सही करना चालू कर दें। इसके लिए उपाय देखते हैं क्या करना है आपको। इसके लिए एक बॉल लेनी है, उसके ऊपर आपको रोज़ सुबह अपने पैरों को अप डाउन करना है, या फिर पैड भी आता है इसका, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, या फिर आप मार्केट से जाके भी ले सकते हैं, या फिर एक अच्छा सा स्लीपर भी आप ले सकते हैं जो पैरों में आप पहन के उसे सही कर सकते हैं, या एक अच्छा सा शूज भी ले सकते हैं आप, या ऐसा एक बॉल आता है इस टाइप का, इससे भी काफ़ी राहत होती है और आंखों की रोशनी भी इससे बढ़ती है और पैर भी सही हो जाता है। देखिए, यहाँ पे अप डाउन हो रहा है तो ये पैर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे चर्बी जमा हो जाती है पैर में, इसलिए पैर समतल हो जाते हैं और वो दिक्कत करते हैं, फिर भागने में दिक्कत करते हैं, इसलिए इसे मेडिकल में नहीं लिया जाता। या फिर आप एक बड़ा सा डंडा लेके उस पर भी अपने पैरों को रगड़ सकते हैं, जिससे कि आपके पैर जो समतल हैं वो सही हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे ऊपर नीचे एड़ी करके आप पैरों को अपना सही कर सकते हैं। अगला देखते हैं, पैर धनुषाकार ना हो, जोड़ों में कहीं भी असामान्यता ना हो, और छाती, अगला पॉइंट यह है कि छाती अंदर धंसा ना हो, और उभरे हुए स्वस्थ मसल होने चाहिए। अर्थात जैसा कि इमेज में दिखाया गया आपको, आपकी छाती ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसमें दिखाया है, ये गायनेको हो जाएगा आपको तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये नॉर्मल है, ये आपकी सही है और ये भी सही है, ये दोनों सही है। लेकिन अगर आपको गायनेको है तो आपको बाहर कर दिएगा, आउट कर दीजिएगा। इसके लिए आप क्या करें कि आप सुबह सुबह बहुत ज़्यादा मतलब कि वॉक करें, आप रनिंग इसके लिए मस्ट है, आप इसके लिए दौड़ लगाइए। अभ्यर्थी का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, ये आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। अभ्यर्थी की सुनने की क्षमता अच्छी हो, मतलब कि आपकी जो सुनने की क्षमता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, अगर आप मतलब कि
सुनने के लिए आप किसी मशीन का यूज़ करते हैं, जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, तो आपके लिए दिक्कत है, आप वहाँ से बाहर आ जाएंगे। और ये ऐसा तो आप फिजिकल में करें ना कि सुनने के लिए किसी मशीन का यूज़ आप करें। अगर करेंगे आप छोटी छोटी डिवाइस का भी यूज़ करेंगे आप, तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी की आंखें कलर के अंधेपन या कलर ब्लाइंडनेस से मुक्त हो, आंखें लाल हरा की पहचान करने में सक्षम हो। अर्थात जैसे कि इमेज में दिखाया गया है, ऐसे आपकी आंखें आपको दिखाया जाएगा वहाँ भी है ऐसा, तो आपको पहचान करना है। अगर अभी भी आप पहचान नहीं कर पा रहे तो आपको आँखों में दिक्कत है। अगर आप पहचान कर रहे हैं कि इसमें 29 लिखा है, इसमें 12 लिखा है, इसमें 15 लिखा है, इसमें 42 लिखा है, तो आपकी आँखें सही हैं। और अगर अभी भी आपकी आँखें सही नहीं है, तो उसके लिए मैं आपको उपाय बता दे रहा हूँ। आप आँखों में ये रोग होता है विटामिन ए की कमी से, जिसे वर्णांधता कहते हैं। इसकी वजह से आँखों को दिखाई नहीं देता, कम दिखाई देता है, या रतौंधी हो जाती है, कलर ब्लाइंडनेस होता है, रात में मतलब कि नहीं दिखाई देता है। तो इसके लिए आप या तो अगर एग खाते हैं तो आप एग खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, या फिर आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गाजर खा सकते हैं। आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है ये, बहुत ही ज़्यादा रोशनी बढ़ाती है आँखों की। या फिर आप डेयरी प्रोडक्ट खा सकते हैं, या फिर या हरी सब्जी भी खा सकते हैं, पपाया खा सकते हैं, या अगर आप मांसाहारी तो आप फिश खा सकते हैं। अगला पॉइंट है, अभ्यर्थी की आँखों की दूरी दूर दृष्टि और निकट दृष्टि समान हो, यानी बिना चश्मे की दृष्टि क्षमता होनी चाहिए, आँखें थोड़े से प्रकाश में ही चकाचौंध ना होती हो। मेडिकल टेस्ट में कोई भी कमी होने पर कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, पुलिस भर्ती के लिए अयोग्य हो जाता है। इन मेडिकल टेस्ट में सफलता के लिए जरूरी है कि आप अपने समय इन समय समस्याओं के लिए किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलकर फिर इनका इलाज कराएं, ताकि मेडिकल टेस्ट देने से पहले आप इन विसंगतियों को दूर कर सकें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन जरूर दबाएगा, इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।